क्वेश्चन नंबर एट जिसमें हमारे पास ये कोसाइन एक्स गिवन है एक फंक्शन और इसे हमें एट पॉइंट इक्वल्स टू पाई बाई टू एक्सपेंड करना है विद द हेल्प ऑफ टाइलर्स एक्सपेंशन और हमारे पास टाइलर्स एक्सपेंशन ये है कि हम किसी भी फंक्शन को इस सीरीज़ या इस फार्मूले की मदद से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं तो इधर हमारे पास सबसे पहले एफ़ ऑफ़ ए है जो कि उसी फंक्शन की वैल्यू है उसी पॉइंट ए पर उसके बाद एक्स माइनस ए इंटू एफ़ प्राइम ऑफ ए फिर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल इंटू एफ सेकेंड प्राइम ऑफ ए इसी तरह सो ऑन so तो हम सबसे पहले लेट करेंगे कि एफ़ ऑफ एक्स बराबर है इस कोसाइन एक्स के और इसमें हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और एक्स को पुट करेंगे पाई बाय टू के बराबर फिर हमारे पास एफ ऑफ पाई बाय टू इक्वल्स टू कोसाइन ऑफ पाई बाय टू और हमारे पास कोसाइन ऑफ पाई बाय टू चूँकि कोसाइन ऑफ पाई बाय टू मीन्स कोसाइन ऑफ नाइन्टी डिग्री तो इसकी वैल्यू हमारे पास है ज़ीरो तो चूँकि इस फंक्शन एफ़ ऑफ एक्स की वैल्यू इस एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर डिफाइंड है तो हम इसके तो हम इसको इस फार्मूले के थ्रू एक तो हम इस फंक्शन को इस फार्मूले के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले एफ़ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे एफ़ प्राइम ऑफ एक्स से मुराद ये है कि हम इसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें ले तो डी बाई डी एक्स ऑफ को साइन एक्स तो इसका आंसर हमारे पास माइनस साइन एक्स आ जाएगा क्योंकि हमारे पास फार्मूला ये है कि डीवाई डी एक्स ऑफ को साइन एक्स अगर हो तो इसका आंसर हमारे पास माइनस साइन ऑफ एक्स आ जाएगा और अगर हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो तो इसका आंसर हमारे पास कोसाइन एक्स आ जाएगा और उसके बाद हम एफ़ सेकेंड प्राइम ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे जो कि बराबर होगा अगर हम इसी फर्स्ट प्राइम की वैल्यू को मज़ीद डिफ्रेंशिएट करें तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू है कोसाइन एक्स तो इसका आंसर माइनस कोसाइन एक्स आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास एफ़ थर्ड प्राइम ऑफ एक्स बराबर होगा कि हम इस एफ सेकेंड प्राइम की वैल्यू को मज़ीद डिफ्रेंश करें तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कोसाइन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसाइन बराबर है इस माइनस साइन के तो इधर माइनस साइन एक्स आ जाएगा और ये माइनस पहले से था तो हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन एक्स या फिर प्लस साइन एक्स ये चीज़ हमारे पास एफ़ थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स की वैल्यू है और अगर हम एफ फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लें ऑफ एक्स तो ये बराबर होगा कि हम इसी साइन को फिर से डिफ्रेंशिएट कर ले तो डिबाइड एक्स ऑफ साइन एक्स और ये बराबर होगा कोसाइन एक्स के इस फार्मूले के थ्रू और हमारे पास फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स बराबर होगा कि हम इसी कोसाइन एक्स का डेरिवेटिव ले ले तो डिबाइड एक्स ऑफ कोसाइन एक्स और ये डिबाइड एक्स ऑफ कोसाइन बराबर हो होगा माइनस साइन एक्स तो यहाँ तक हमारे लिए काफ़ी है और अभी हम इन और अभी हम इन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू को उसी पॉइंट पाई बाई टू पर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास एफ़ प्राइम ऑफ एक्स की जगह हम अगर पाई बाई टू पुट कर ले तो ये बराबर होगा माइनस साइन और एक्स की जगह पाई बाई टू आ जाएगा और हमारे पास ये मालूम है कि पाई बाई टू रेडियन बराबर है नाइन्टी डिग्री के तो साइन ऑफ़ नाइन्टी डिग्री बराबर होगा वन के तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस वन और उसके बाद हमारे पास एफ़ डबल प्राइम ऑफ एक्स है एक्स की जगह हम अगर पाई बाई टू पुट कर लें तो ये बराबर होगा माइनस कोसाइन ऑफ एक्स की जगह पाई बाई टू आ जाएगा इधर जो कि बराबर होगा माइनस और कोसाइन ऑफ पाई बाई टू हमारे पास है ज़ीरो के बराबर तो ये आ जाएगा ज़ीरो इसी तरह एफ़ थर्ड प्राइम ऑफ एक्स एक्स की जगह आ जाएगा पाई बाई टू और ये बराबर होगा साइन ऑफ पाई बाई टू और साइन ऑफ पाई बाई टू बराबर है वन के इसी तरह एफ़ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई टू बराबर होगा कोसाइन एक्स या फिर हम एक्स की जगह पाई बाई टू पुट करेंगे और कोसाइन ऑफ पाई बाई टू बराबर है ज़ीरो के इसी तरह हमारे पास ये फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ़ पाई बाई टू बराबर होगा इस माइनस साइन ऑफ पाई बाई टू और ये बराबर होगा माइनस साइन ऑफ पाई बाई टू बराबर है वन के तो ये वन और अभी हम इन सभी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन नंबर वन अगर हम इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दें इस ट्रायलर एक्सपेंशन में पुट करेंगे तो हम ये कह सकते हैं तस इक्वेशन वन बिकम्स हमारे पास इक्वेशन वन चेंज होगा जो कि इधर सबसे पहले एफ़ ऑफ एक्स है हम एफ ऑफ एक्स की जगह कोसाइन एक्स लिख सकते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कोसाइन ऑफ एक्स बराबर होगा एफ़ ऑफ एफ़ ऑफ पाई बाई टू मीन्स क्योंकि ए की वैल्यू पाई बाई टू है तो एफ़ ऑफ पाई बाई टू बराबर है ज़ीरो के तो हम इस एफ़ ऑफ ए की जगह पुट करेंगे ज़ीरो फिर प्लस ये एक्स माइनस ए होगा ए की वैल्यू है पाई बाई टू इंटू एफ़ प्राइम ऑफ ए, एफ़ प्राइम ऑफ पाई बाई टू हमारे पास माइनस वन के बराबर है तो हम इधर लिखेंगे माइनस वन फिर प्लस एक्स माइनस ए मीन्स एक्स माइनस पाई बाई टू और इसके ऊपर होल स्क्वेयर डिवाइड बाई टू फेक्टोरियल इन टू इसके साथ हमारे पास एफ़ सेकेंड प्राइम ऑफ ए है तो इसका मतलब एफ़ सेकेंड प्राइम ऑफ पाई बाई टू जो कि बराबर है ज़ीरो के फिर प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू होल टू दावर थ्री डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल इन टू एक्स और इसके साथ हमारे पास एफ़ थर्ड प्राइम ऑफ ए है तो हम तो हमारे पास एफ़ थर्ड प्राइम ऑफ पाई बाई टू बराबर है वन के तो इधर हम लिखेंगे वन फिर प्लस यहाँ पर x माइनस पाई बाई टू आ जाएगा और इधर होल टू दावर थ्री था तो इधर होल टू दावर फोर होगा और डिवाइडेड बाई फोर फैक्टोरियल फिर इसके साथ f फोर्थ प्राइम ऑफ a और f फोर्थ प्राइम ऑफ a की वैल्यू है जीरो तो लिखेंगे ज़ीरो फिर प्लस x माइनस पाई बाई टू होल टू दावर फाइव आ जाएगा डिवाइडेड बाई फाइव फैक्टोरियल और साथ में f फिफ्थ प्राइम ऑफ a की वैल्यू और f फिफ्थ प्राइम ऑफ a की वैल्यू है माइनस वन तो हम लिखेंगे माइनस वन और प्लस डैश डेश डैश एंड सो तो इसका मतलब हम कोसाइन एक्स को लिख सकते हैं बराबर है ज़ीरो को हम लिखेंगे नहीं अगर इस माइनस को इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा माइनस फिर एक्स माइनस पाई बाई टू फिर उसके बाद इस टर्म का आंसर आ जाएगा जीरो क्योंकि ज़ीरो इन टू सम होगा ज़ीरो और उसके बाद हम इस टर्म खुद लिखेंगे प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू होल्ड टू इस डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल और अगर हम इस वन को इनके साथ मल्टीप्लाई भी कर ले तो इन पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं और उसके बाद प्लस ये फोर्थ वाले का आंसर आ जाएगा ज़ीरो क्योंकि ज़ीरो इंटू समथिंग होगा ज़ीरो और ये फिफ्थ वाले का आंसर हम इस माइनस को इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इधर लिखेंगे माइनस और हमारे पास एक्स माइनस फाई बाई टू होल टू द पावर फाइफ डिवाइडेड बाई फाइव फैक्टोरियल एन प्लस सो ऑन तो ये चीज़ हमारे पास कोसाइन एक्स का एक्सपेंशन होगा विद द हेल्प ऑफ टाइलर्स एक्सपेंशन जो कि हमारे पास आंसर है तो इस क्वेश्चन नंबर एट में हमारे पास ये कोसाइन एक्स एक फंक्शन गिवन था और इसे हमें एट ए इक्वल्स टू पाई बाई टू एक्सपेंड करना था विद द हेल्प ऑफ टाइलर्स एक्सपेंशन हमारे पास ट्रायलर्स एक्सपेंशन ये है इसके लिए हम सबसे पहले एफ ऑफ पाई बाई टू फाइंड आउट करेंगे जो कि डिफाइंड है तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन के बाकी डेरिवेटिव भी इसी पॉइंट पर डिफ़ाइंड होंगे तो हम इसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फ़ाइंड आउट करेंगे और उन सभी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू इसी पाई बाई टू पर फाइंड आउट करेंगे और इन सभी वैल्यूज़ को हम इस ट्रायलर्स एक्सपेंशन के फार्मूले में पुट करके हम को इस सीरीज़ की शक्ल में लिख सकते हैं जो कि जो कि हमारे पास हमारा आंसर है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें